hello everyone welcome to our channel today we are going to discuss about the architectures in sculpture of india part 5 already we discussed about the part 1 to 4 now today we are going to discuss about the part 5 then let's start it okay then here in last class we already discussed about the moria art in architecture in few patterns now today we are going to discuss about the stupa cave rock cut cave and more ओके दैन स्टूफा फास्ट ऑन इज आवर दट इजोफा द इन द वैदिक पीरियड बोरियल माउंड ऑफ अर्थ एंड ब्रिक्स विच वर इरेक्टेड बाई द वैदिक आर्यन वर नॉन एट द टाइम तो पहले में ये करते थे वैदिक पीरियड के टाइम में बोरियल बनाया करते थे जो माउंट करके उसमें ये करते थे मे बी आजकल भी ऐसे होता है जहाँ पे भी ये करते हैं बोरियल बना के रखे वहाँ पे घर उर बना लेते हैं ऊपर में डिजाइन उजाइन ये सब रखते हैं और हम लोग बहुत सारा ऐसे दिखे हैं इस्तूपा ये सब जैसे कि अगर हम ताजमहल की भी बात करें तो वो भी भी एक यही है वहाँ पे भी ये को दफना के रखे थे और उसी के ऊपर ही उसके याद में बनाए तो यहाँ पे हम लोग अभी स्तूपा के बारे में देखेंगे किस तरह से स्तूपा बनाते हैं और क्या है उसका ये क्या है क्यों बनाते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे इन द मौर्य पीरियड मेनली इन द पीरियड ऑफ ओसो का ओसो के टाइम में ये कंस्ट्रक्शन इस्तीफा का कंस्ट्रक्शन किए थे जो कि स्केटर ऑल ओवर द कंट्री और बहुत अलग अलग पार्ट में हुआ था काउंट्री के हर एक में भी नॉर्थ हर एक स्टेट में बट बहुत सारे स्टेट में किए थे द कोर ऑफ द स्तूपा वाज मेड ऑफ अनब ब्रिक्स वाइल अदर सरफेस वाज मेड बाय यूजिंग बर्न ब्रिक्स तो बहुत सारा जो स्तूपा का जो कोर है उसे जलायाला ब्रिक्स से भी बनाए थे और नहीं जलायाला ब्रिक से भी बनाए थे और उसका सरफेस को भी बनाए थे और वो कवर किए थे ठीक लेयर में जो कि सीमेंट में बना हुआ था और ऊपर में जो था वो डम के शेप में था और ऊपर में उडन का डेकोरेट भी किए थे और स्टोन अम्ब्रेला भी वहाँ पे बनाए थे देन ये डिनोटेड द यूनिवर्सल सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा जो कि अम्ब्रेला स्टोन का अम्ब्रेला और ऊट से डेकोरेट करते थे उसे जो ये है सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा को ये करते हैं उसको देन ओशोका स्तूपा वो कंस्ट्रक्टेड टू तो सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ गौतम बुद्ध तो जो हम लोग का ओसोका का जो ये बना है ओसोका स्तूपा ये सब क्या है जितना भी ये बना है उसका सेलिब्रेशन के लिए या फिर अचीवमेंट के लिए जो गौतम बुद्ध का लाइफ ये हुआ है उसके वजह से ये बना है देन लाइक स्तूपा एट बेराट राजस्थान इन दर्ड सेंचुरी बी द ग्रेट स्तूपा एट साची वॉज बिल्ड विथ ब्रिक्स एंड सेवरल चेंजेस वर डन तो यहाँ पे जो हम लोग का ये है इस्तीफा जो विराट राजस्थान में है थर्ड सेंचुरी बी में बना था वो बहुत ही बड़ा इस्तूपा है और साची में भी बिल्ड हुआ है देन दूसरा हम लोग का ये है जो परिक्रमा भी वहाँ पे क्या करते थे वो परिक्रमा वाज इनक्लाइनिंग द स्तूपा स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा का ये करते थे देन दूसरा क्या है आर्किटेक्चर किस तरह से बनाया करते थे उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे बिकॉज एग्जाम में आने का बहुत सारा चांसेस रहता है आर्किटेक्चर के बारे में उसका सेप के बारे में उसे क्या कहा जाता है वो सब भी बहुत सारे पूछ लेते हैं ओके okay, देन आर्किटेक्चर यहाँ पे देख लीजिए स्तूपा कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ड्राम विथ ए सर्कुलर अंडा एंड ए हार्मिका एंड छत्रा ऑन द टॉप तो स्तूपा कैसे बनाते हैं सिलेंड्रिकल में बनाते हैं सर्कुलर होके और अंडा शेप का रहता है देन दूसरा क्या है हार्मिका एंड छत्रा ऑन द टॉप ऊपर में हार्मिका और छत्रा भी रहता है उसका तो यहाँ पे देख लेते हैं अंडा शेप क्या है अंडा हेमिस्फेरिकल माउंट सिम्बलिक ऑफ द मॉल ऑफ डूज टू कवर बुद्ध रिमाइंड तो यहाँ पे जो ये बनाया करते थे हेमिस्पेरिकल सेप को इसे अंडा कहा जाता है जो सिंबलिक करता है मोल का सिंबलिक होता है ये देन दूसरा हम लोग का हार्मिका स्क्वायर रेलिंग्स ऑन टॉप ऑफ द मोल तो ऊपर में जो हार्मिका रहता है स्क्वायर स्क्वायर होके बन के रहता है उससे कहा जाता है देन छत्र क्या है सेंट्रल पिलर सपोर्टिंग ए ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म जो सेंटर में पिलर रहता है जो कि अम्ब्रेला फॉर्म को सपोर्ट करता है उसे छत्र कहा जाता है देन एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं साची स्तूपा इन मध्य प्रदेश इज द मोस्ट फेमस ऑफ द ओशोक स्तूपा तो अगर हम लोग ओसोकन स्तूपा के बारे में बात करेंगे तो साची स्तूपा बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश का इवन हम लोग का जो नोट ये सब रहता है करेंसी में भी ये पिक्चर बहुत देखने को हमें मिलता है देन पिपरावा स्तूपा इन उत्तर प्रदेश इज द ओल्डेस्ट वन जो पिपरावा स्तूपा है सबसे पुराना स्तूपा है वो और स्तूपा ब्यूल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा कौन कौन सी जगह में बना है राजगृह वैशाली कपिला में फिर आलाकापा में रामग्रामा देन वेतापिदा देन पावा कुशीनगर देन पीपा में बना हुआ है देन स्तूपा एट विराट राजस्थान वो किस तरह से बना है देख लेते हैं उसको ग्रेन स्तूपा हुए थे सार्कुलर मॉल एंड ए सार्कम बाउंड्रीटोरी पथ तो यहाँ पे सर्कुलर मोड़ और सर्कुलर बाउंड्री प्राप्त रहता है जो कि हम लोग का इस तरह का देखने के लिए मिलता है जो हम लोग छत्र के बारे में पढ़े हैं, ये ही है ये वो क्षत्र इसे कहा जाता है और ये जो डम होता है स्तूपा डम ये हम लोग का ये है और नीचे का जो ये स्क्वायर में है ये हम लोग का हार्मिका है और ये हम लोग का अंडा में रहता है okay, यहाँ पे देख लेते थोड़ा देन दूसरा हम लोग का बहुत सारा स्तूपा के छोड़ के और भी देखेंगे तो बहुत सारा आर्किटेक्चर ये सब हुआ है उस समय जो कि हम लोग का रॉयल पेट्रोनेज कैफ देन आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड पोटरी टू द एक्सप्रेशन ऑन आर्ट बाई इंडिविजअल इफोर तो दूसरा क्या है स्तूपा को छोड़ के अगर हम देखेंगे तो हम लोग का स्कल्पचर पोटरी मेकिंग ये सब भी बहुत ही ज़्यादा उस समय बना हुआ था तो उसी को थोड़ा सा अभी देखेंगे कैफ आर्किटेक्चर को दैन द मौर्य पीरियड सो द बिगनिंग ऑफ रॉकर आर्किटेक्चर तो हम लोग का जो रॉकर आर्किटेक्चर हम लोग देखने को मिलता है बहुत सारा कैव है जो देखने को मिलता है मौर्यन पीरियड से स्टार्ट हुआ था रॉक को काट के वहाँ पे बनाते थे कैब The caves during the मौर्या period were marked by a highly polished finish of the interior wall and decorative gateway. तो so, यहाँ पे वो जो ये बनाया करते थे बहुत ही पॉलिशिंग करके फिनिशिंग इंटीरियर देते थे वाल को और डेकोरेट करते थे और गेट को भी बहुत ही खूबसूरत से सजाते थे देन ड्यूरिंग द मौर्या पीरियड दिस कैब आर जनरली यूज एज बिहारस और ये कैब को जनरली यूज करते थे बिहारस बिहारस मीन्स जो कि चले रहते थे बुद्धिस्ट का या जैनिजिम का मोंक रहते हैं वो लोग वहाँ पे सर्वाइव करते थे रहते थे वाइल द रियल कैब वर यूज द आजीविका सेक्ट और इसमें कहा जाता है जो कि रियल कैब होता है यूज करते थे आजीविका सेट के लोग जो बुद्धिज्म के मोन्श्री कहा जाता है देन दूसरा हम लोग देख लेते हैं बारावर एंड नागार्जुनी कैव इन बिहार बिहार में जो हम लोग का है ये है वो कैव और दूसरा ये है नासिक कैव तो इसको थोड़ा देख लेते हैं नासिक कैव के बारे में जो कि रॉक को काट के बनाया हुआ है द नासिक कैफ और समटाइम्स पंडाल वैनी कैफ्स आर ए ग्रुप ऑफ ट्वेंटी फोर कैब्स तो यहाँ पे क्या है ग्रुप ऑफ ट्वेंटी फोर कैफ कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे ट्वेंटी फोर अंदर में कैफ है देन कर्व बिटवीन द सेंचुरी बी सी इन थर्ड सेंचुरी सी एडिशनल कल्चर आप टू अबाउट दिक्स सेंचुरी रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन बुद्धिस्ट डिवोसनल प्रैक्टिस तो इस समय यह हुआ था सिक्स सेंचुरी में इसे थोड़ा बहुत ये किए थे रिफ्लेक्टिंग किए थे और चेंजेस किए थे कुछ देन अंजर हिमालयन हिना सेक्ट बुद्ध प्रेजेंस इज इंडिकेटेड थ्रो द यूज ऑफ मोटिव एंड सिम्बल लाइक थ्रोन एंड फ्रोट प्रिंट तो यहाँ पे जो ये के टाइम में था हिनायाना सेक्ट के जो बुद्धिस्ट ये करते थे उस समय यहाँ पे सिंबल कुछ ये करके रखे थे देना अभी दूसरा देख लेते हैं स्कल्पचर क्या क्या बना था उस समय मौर्य पीरियड में द मौर्या पीरियड इज मार्क बायप्रेसिव प्रोग्रेस इन द इंडियन स्कल्पचर द मौर्यन स्कल्पचर इन टू कोट आर्ट इन द पॉपुलर आर्ट तो यहाँ पे क्या है मौर्य स्कल्पचर जब था उस समय बहुत ही पॉपुलर हुआ था कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट ये सब था द कोर्ट आर्ट इज इंक्लूड द पिलर एंड दियर कैपिटल वाइल द पॉपुलर आर्ट इंक्लूड द वर्क ऑफ स्कल्पचर्स सच ऐसा एंड दी तो उस समय जो कोर्ट आर्ट हुआ करता था पिलर ज्यादातर था और दूसरा अलग अलग जो पॉपुलर आर्ट था यकसा और यक्सिनी ये सब बनाया करते थे उस समय दे वर द ऑब्जेक्ट ऑफ वेफ रिलेटेड टू ऑल थ्री रिलीजियस जैनिज्म हिंदू मैन देन बुद्धिज्म तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं था कि बुद्धिज्म के लिए था बट जैनिज्म का भी था बुद्धिज्म और हिंदुज्म का भी था उसमें द अर्लीस्ट मैंसन ऑफ यक्सी कैन बी फाउंड शिलापाधिकरम ए तमिल टेक्सट तो हम लोग यक्सी के बारे में पहले भी पढ़े हैं जो शिलापाधिकरम टेक्सट बुक में मिलता है तमिल टेक्सट बुक में और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग का लायन कैपिटल कोट आर्ट में देन दूसरा यक्षा और यक्षिनी फिर दीदरगंज यक्षिनी देन दूसरा पॉपुलर आर्ट ये सब है तो ये हम लोग का है लायन और ये वाला जो हम लोग का देखने को मिलता है देन डिफरेंस बिटवीन मोरिया कोट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट तो मोरिया कोट आर्ट और पॉपुलर आर्ट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं मौर्य कोटार ड्यूरिंग द मौर्य एरा एक्सीलेंस स्टोन स्कल्पचर कम इनटू फुल बीइंग ऑल एट वंस तो हम लोग का जो ये था मौर्य टाइम में जो कोट आर्ट था वो एकदम एक्सीलेंट स्टोन से ये करते थे और वो फूल uh, ये करके बनाते थे फूल बीइंग ऑल एट वंस एक ही ये में स्टोन में बनाया करते थे द स्टोन वाज नाउ यूज ऑल ओवर द कंट्री फॉर स्कल्पचर एज वेल एज आर्किटेक्चर तो स्टोन बहुत ही अलग अलग जगह में यूज uh, करते थे स्कल्पचर के लिए भी और आर्किटेक्चर के लिए भी यूज किया जाता था जैसे कि आर्किटेक्चर का हम लोग देख लिए हैं कैव ये सब भी बनाया करते थे फर्दर द्राइट फॉलिस वॉज इंपॉर्टेंट टू द स्टोन सरफेस ड्यूरिंग

और बहुत ही वैरायटी उसका था जो बनाने का ये था दिस आर्ट इज़ विजिबल इन स्टोन पिलर रेलिंग्स पैरासोल्स कैपिटल्स एनिमल एंड ह्यूमन स्कल्पचर एंड सेवरल अदर मोटिवेसिड तो हम लोग को ये सब आर्ट जो दिखाई देता है मोडियन आर्ट अलग अलग स्टोन पिलर में देन रेलिंग में पैरासोल में कैपिटल में जो हम लोग का सरनाथ का जो लायन कैपिटल वो सब में देखने को मिलता है बहुत ही खूबसूरत से बनाते थे और पॉलिशिंग भी बहुत ही अच्छा से करते थे द बेस्ट स्पेसिमेंट्स ऑफ मोरिया कोट आर्ट आर द्यूज नंबर ऑफ मोनोलिथिक मजेस्टिक एनिमल्स कैपिटल तो यहाँ पे मोनोलिथिक कलम से करके बनाते थे सिंगल स्टोन से करके बनाते थे जनरली स्पीकिंग ऑफ टू पार्ट दैपिटल्स दर्कुलर इन सेक्शन एंड स्लाइकलीफरिंग इट मेड फ्रॉम ए सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन एंड हैज ए ग्रेसफुल एंड एलिजेंट प्रोपरसन तो जो भी ये करते थे बनाते थे सिंगल स्टोन से बनाते थे और बहुत ही खूबसूरत सा बनाते थे अलग अलग डिजाइन ये से भी बनाते थे बट सिंगल स्टोन से ज़्यादातर बनाते थे मोनोलिथिक ये से दैपिटल मोनोलिथिक द सॉफ्ट वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट बायर्टेड लोटस ऑफ टेन कॉल क्रोनिंग अवाउनिंग इन द राउंड हम लोग पहले भी देख चुके हैं सरनाथ लाइन कैपिटल में वहाँ पे लोटस का ये होता था देन थ्री ये में उसे डिवाइड करके बनाते थे एक ही सिंगल स्टोन में वहाँ पे तीन तरह के डिजाइन बनाते थे लोटस का बनाते थे बेल का डिजाइन बनाते थे इवेन जो क्राउनिंग और जो वहाँ पे एनिमल लाइन ये सब है वो सबको बनाया करते थे बहुत ही खूबसूरत से बनाते थे एक ही स्टोन से देन एग्जाम्पल ऑफ मौर्या कोट आर्ट हम लोग का जो लायन कैपिटल है सरनार्थ में है फिर दूसरा हम लोग का पिलर एट वैशाली है तो ये सब हम लोग का एग्जाम्पल ऑफ कोर्ट ऑफ कोर्ट आर्ट है मौर्यन का देन ओसो का पिलर एट अलाहाबाद वो भी एक है देन दूसरा हम लोग का मौर्या पॉपुलर आर्ट देख लेते हैं द पॉपुलर आर्ट इन मौर्य पीरियड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इमेज ऑफ यक्षा एंड यक्षिणी जो हम लोग पहले देखे हैं यकसा और यक्षिणी का इमेज वो भी कितना खूबसूरत से बनाया करते थे एकदम पॉलिशिंग के साथ में बनाते थे यकसा रिफर टू द नेचर स्पीरिट यूजलीसो नॉन एज फर्टिलिटी स्पीरियड तो यसा जो था उसे नेचर नेचर स्पेरिट कहा जाता था जो कि फर्टिलिटी स्पेरियड भी होता है जो ग्रो अप कराने के लिए या फिर न्यू प्रोडक्शन के लिए रिप्रोड्यूस के लिए वो ये हेल्प करते हैं दी इज द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ द मेल, मेल यक्सन तो हम लोग का जो यक्सनी का जो हम लोग देखे हैं वो कल्चर उसमें भी क्या है हम लोग का जो ये काउंटर पार्ट है फीमेल है यकसा का फीमेल पार्ट है वो यक्सिनी बोध यक्सा इन यु कुरा दिंदू गॉड ऑफ वेल्थ हु रूल इन द माइथिकल्स हिमालय किंगडम ऑफ अलाकाश तो दोनों ही यहाँ पे ये हैं जो यक्सा और यक्षिनी ये भी माना जाता है कि जो कुबेर हुआ करते हैं हिंदू गॉड जो है जो कि आ, वेल्थ को ये करते हैं रूल करते हैं और दूसरा जो माइथिकल दिया हुआ है हिमालयन किंगडम के बारे में या फिर अलग के बारे में उसमें भी उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया गया है देन य आल्सो रिफर टू वन ऑफ द एक्सोटिक ट्राइब्स एंड ट्राइब ऑफ एनशियन इंडिया तो यक्सा को और भी रिफ़र किया जाता है कि एक्सोटिक ट्राइब ऑफ एनशियन इंडिया से रिफ़र किया जाता है यकसास एंड यक्सनी आर द केयर टेकर्स ऑफ द नेचुरल ट्रेजर और ऐसे भी माना जाता है जो यकसा और यक्सनी वो लोग नेचर को टेक केयर करते हैं वो लोग का ये है नेचुरल ट्रेजर को ये रिलीजियस मूवमेंट और वो लोग का बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है जो यक्ष और यक्षिणी का हिंदू में भी जैनिज्म में भी और बुद्धिज्म में भी वो लोग का लिटरेचर में इसके बारे में बहुत कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है इन इंडिया लार्ज स्टेट स्टेचू ऑफ यक्सा इन यक्सिनी मोस्टली इन स्टैंडिंग पोजिशन और अगर हम लोग इंडिया में देखेंगे जो कि यक्षा और यक्सिनी का स्टेचू देखने को मिलता है वो स्टैंडिंग पोजिशन में देखने को मिलता है मथुरा तो बहुत अलग अलग जगह में भी देखने को मिलता है जैसे कि हम लोग का पटना हो गया विदिशा हो गया फिर मथुरा हो गया मोस्ट कॉमन एलिमेंट एमोंग दिस इमेज इज द पॉलिस्ट सरफे एंड क्लियर साइकोगीनिक और ये जो हम लोग डिटेल में देखे हैं उसके बारे में वो बहुत ही पॉलिसिंग सरफेस में देखने को मिलता है एग्जाम्पल ऑफ पॉपरल आर्ट हम लोग का क्या क्या था दीदरगंज यक्षिनी जो हम लोग ऊपर में उसका इमेज देखे हैं फिर एलिफेंट स्कल्पचर एट धोली जो हम लोग का धोली में देखने को मिलता है स्कल्पचर एलिफेंट का देन पोट्री हम लोग को देखने को मिलता है तो उसको देख लेते हैं पोस्ट मोरियन आर्ट जो पोट्री ये सब भी बनाते थे पोट ये सब बनाते थे द पोटरी ऑफ मेनी टाइप ऑफ वेयर तो यहाँ पे जो ये कलर का भी होता था रेड कलर होता था वाइट कलर होता था और ब्लैक कलर का पोट्री ये सब भी बनाते थे बट द मोस्ट हाईली डेवलप टेक्निक इज सीन इन द स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री नॉन एज द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर तो हम लोग को जो स्पेशल टाइप टेक्निक से जो डेवलप्ड टेक्निक से बनाया वाला पोटरी देखने को मिलता है वो है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर जो कि हम लोग को अलग अलग ये हिस्से में देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ़ द नॉर्थन साइड में विच वॉज द मार्क ऑफ द प्रेसिडेंस एंड आर्ली मोरियन पीरियड और ये हलमार्क हुआ था जो मौर्या पीरियड का ये में दर कैरेक्टर्स राइज बाय द ब्लैक पेंट एंड हाई ग्ली लस्चर फिनिश एंड वनरली यूज एज लग्जरी आइटम और ये बहुत ही हाईली फिनिश किया गया था और ये लग्जरी आइटम के लिए जनरली यूज किया जाता था कौसम्बी एंड पटलीपुत्रा वर देंटर ऑफ एन बी पी डब्ल्यू पोर्टरे दैट मीन्स नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर पोर्टरे जो कौसम्बी और पटलीपुत्रा वहाँ का सेंटर था दैन हम लोग का पोस्ट मोरियन

तो हम लोग का जो ये के बाद में आ, पोस्ट मोरियन एम्पायर के टाइम में बहुत सारे अलग अलग ये भी हुआ करते थे उस समय सुंगा कन्वास कुसाना गुप्ता ये सब भी रूल करते थे नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया में और साउथन टाइप में हम लोग का सातावाहनस थे जैन भगा टका ये सब रूल किया करते थे दिस पीरियड ऑल्सो शो द एमरजेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्ट लाइक द सेवम एंड वैष्णवम तो उस समय जो ये हुआ करता था आ, पे, आ, ब्राह्मणिकल सेक्ट हुआ करते थे वो लोग सेविजिम और बेस्ने भी जिम को ये करते थे सेक्ट को वर्शिप करते थे देन चीफ एग्जाम्पल ऑफ फाइन स्कल्पचर आर फाउंड एट बारहोट एंड विदिशा जो हम लोग को मध्य प्रदेश में ये मिलता है देखने को ये फाइन स्कल्पचर देन मथुरा में हम लोग को देखने को मिलता है जो कि उत्तर प्रदेश में है फिर बुधगया में जो कि बिहार में है वो सब देखने को मिलता है जागा या फेटा आंध्र प्रदेश में है फिर दूसरा हम लोग का महाराष्ट्र का जो भाजा और पाभनी है उसमें भी देखने को मिलता है ओडिशा का अगर हम बात करें तो खंडगिरी और उदयगिरी में हमें ये सब देखने को मिलता है जो कि भुवनेश्वर में है द आर्किटेक्चर इन द फॉर्म ऑफ रॉक कट कै एंड स्तूपा कंटिन्यू विथ इच डाइनासिटी इंट्रोड्यूस सम यूनिक फ्यूचर ऑफ यर ओन तो हम लोग जो भी आर्किटेक्चर और रॉक कट ये सब के बारे में डिस्कस किए हैं और स्तूपा के बारे में वो अपना अपना जो डाइनास्टी का ये है यूनिक फ्यूचर्स है वहाँ पर दर्शाते हैं और हमें देखने को भी मिलता है Then सिमिलरली डिफरेंट स्कूल ऑफ sculptures मर्स एंड the art ऑफ sculpture रीच इट क्लाइमैक्स इन द पोस्ट मोरियन पीरियड तो हम लोग को बहुत सारा देखने को मिलता है पोस्ट मोरियन पीरियड में आर्किटेक्चर रक कट केव है ये जो कि मौर्य पीरियड में था तो ये सब भी हमें देखने को मिलता है जो कि हम लोग का रक कट कै अगर हम कहेंगे अजंता कन्हेरी करली ये सब हमें देखने को मिलता है और बिहारा और चेतिया मीन्स बिहारा मीन्स रेसिडेंशियल क्वार्टर फॉर मॉन्क जो कि बुद्धिस्ट और जैनिज्म के मॉन्क्स के लिए होता था चेतिया था टेंपल प्रेयर हॉल या फिर असेंबली हॉल को चेतिया कहा जाता है जो कि स्तूपा में है और बुद्धिस्ट जो ये करते थे वो स्तूपा में जाके ये करते थे फिर उस समय बहुत सारा अलग अलग ये बना फिर अलग अलग आर्ट एंड कल्चर बना तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे फिर करले चैत्र हॉल जो है अजंता ट्वेंटी नाइन केफ में, 29 केव और ट्वेंटी को देखने को मिलता है और ये हमारा उदयगिरी है उड़ीसा का जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है और दूसरा जो स्तूपा है वो आगे से और उसके साइड से किस तरह से खूबसूरत दिखता है जो स्टोन को एकदम पॉलिशिंग करके बनाए वो भी हमें यहाँ देखने को मिल जाता है ओके देन स्कल्पचर जो हम लोग का ये है अलग अलग ये है फिर हम लोग का गंधर्म मथुरा और अमरावती ये सब का भी अलग अलग रीजन का भी है तो वो सब और आगे हम लोग देखेंगे तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय